हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ क्रोशिया यूरोप एक शेंगन कंट्री का सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं हमारे भाई मोहम्मद अरमान सिद्दीक जी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीज़ा का कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप हमें यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि वहां पर हम जो है रेगुलरली अपडेट्स जो है देते रहते हैं। तो फ्रेंड, जान लेते हैं अरमान जी से कि उनको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा। अरमान जी। सर, मैं सोशल नेटवर्क हमेशा यूज़ करता हूँ, तो मुझे यूट्यूब के ज़रिए पता चला कि कॉन्ट्रामेंटर्स अच्छी कंपनी है, तो वहाँ से मैंने फिर आपके बारे में देखा होगा, तो फिर मैं यहाँ से अप्लाई कर दिया अपना काम। ओके। और अरमान जी, मुझे बताइए कि आपको ओवरऑल कितना टाइम लगा था, मतलब प्रोसेस के ज़रा स्टेप बताएंगे कि कितना टाइम लगा था आपका। टोटल प्रोसेस मेरा 5 मंथ समथिंग ही लगा है, क्योंकि मेरा वर्क परमिट 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर आ गया, और 2 महीने BFS, 2 महीने से कम क्योंकि लेट लग रहे हैं, तो समथिंग 5 मंथ के अंदर ही मेरा सारा काम हो गया। ओके। देखिए, अरमान सिद्दीक जी का जो प्रोसेस टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे और कैंडिडेट से, तो इनका काफ़ी कम रहा, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ टाइम टू टाइम हर एक कंट्री का प्रोसेस जो है अप एंड डाउन होता रहता है, जो प्रोसेस का स्पीड होता है, टाइमिंग होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। नाउ अगेन जो है क्रोशिया का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो अंडर कंट्रोल आ रहा है दोस्तों, राइट। अरमान जी, जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन जाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? अगर वो हमारे से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या गाइडेंस देंगे? ये बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी है और मैं इस पर पूरा फेथ करता हूँ, और लोगों को भी यहीं से अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आपने सुना अरमान जी को। देखिए, अरमान सिद्दीक जी जो हैं, ही इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, और जो है अभी ये क्रोशिया जा रहे हैं, शेंगन कंट्री में जा रहे हैं, आपको पता ही है। और यू नो, इन्होंने इससे पहले इंडिया में भी काफ़ी अच्छे का काम किया है। सर ने मुझे ये भी बताया था बात करते समय कि इनका सिंगापुर का भी एक बार वीज़ा लग गया था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये फ्लाई नहीं कर पाए थे। तो देखिए, जैसे बोलते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो मैं बोलता हूँ कि पासपोर्ट पासपोर्ट पर लिखा रहता है कंसल्टेंट का नाम। तो अरमान सिद्दीक ने हमारे थ्रू जाना था और अभी जा रहे हैं। आप सभी की तरफ से मैं अरमान सिद्दीक जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।